हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा हमारा ये सब हमने डिस्कस करना है। ये तीन हमारे पास फिस्कल काउंसिल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स, ये एडिटोरियल हैं। बाकी न्यूज़ हैं, ये फ्रंट पेज की न्यूज़ हैं, बाकी अदर पेजेस की न्यूज़ हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमें बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फ्रंट पेज में ये दिया है, दुबे शॉट डेड इन, विकास दुबे की बात कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ फायर। सुबह सुबह विकास दुबे को कल सुबह पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया, तो ये एक न्यूज़ थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास नहीं है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री लेवल की टॉक्स चल रही हैं इंडिया चाइना के बीच में, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रोज ही न्यूज़ में आ रहे हैं। गैल्वन वैली क्लैश के बाद से, 15 जून को गैल्वन वैली क्लैश हुआ था, उसके बाद से लगातार न्यूज़ में रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसमें यहाँ पर फ्रंट पेज में यहाँ पर कुछ रहा नहीं। फ्रंट पेज में ही एक तो ये आया है, कमर्शियल वैक्सीन विल टेक एटलीस्ट 12 मंथ्स। तो ऑफिशियल्स को कहना ये का कहना ये है कि जो वैक्सीन अवेलेबल होंगी कम से कम एक साल लगने वाला है। वैक्सीन जो कमर्शियल लेवल पे मार्केट में अवेलेबल होंगी तो कम से कम एक साल लगेगा, ये इसमें बोला है। और सबसे पहले अवेलेबल होगा बच्चों को या वेमेंस को, या जिन जो एजड लोग हैं 65 से ज़्यादा के लोग हैं या बच्चों को, उनके लिए वैक्सीन पहले अवेलेबल होगी, तो ये इसमें लिखा हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ है नहीं, बस लाइक आपको आइडिया होना चाहिए। LJP लोक जनशक्ति पार्टी RJD कॉल फॉर पोस्टपोनिंग बिहार पोल। बिहार में इलेक्शंस हैं अक्टूबर में विधानसभा के, तो दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, राष्ट्रीय जनता दल और LJP, उन्होंने कहा है कि बिहार इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए बिहार में विधानसभा के इलेक्शन ड्यू हैं अक्टूबर 2020 में। 14% एक्सेस रेन इन इंडिया सो फार, इस मानसून में अभी तक 14% ज़्यादा बारिश हो चुकी है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सोलर एनर्जी विल प्ले बिग रोल इन आत्मनिर्भर भारत, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में रेवा में इनॉग्रेशन कराया 750 मेगावाट का सोलर पार्क, तो उसके बारे में आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। 750 मेगावाट, ये इंपॉर्टेंट है, और लोकेशन पता होना चाहिए प्रधानमंत्री ने, सोलर पावर, सोलर प्रोजेक्ट रेवा मध्य प्रदेश, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और टारगेट है हमारा 100 गीगावाट का सोलर पावर 2022 तक हमें एनर्जी कैपेसिटी के साथ डेवलप करना है सोलर पावर, तो 2022 तक का टारगेट है 100 गीगावाट का, तो 750 मेगावाट का हमने सोलर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने कल किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एशिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस 750 मेगावाट में भी 250 मेगावाट के तीन यूनिट है, तो 250 की तीन यूनिट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये एक फोटो है जो हमारा सोलर एनर्जी सोलर मेगा जो प्रोजेक्ट है उसकी एक फोटो है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा इस पार्क को कौन डेवलप कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड बनाया गया, एक जॉइंट वेंचर कंपनी है मध्य प्रदेश की, जो कि ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोनों की जॉइंट वेंचर कंपनी है, ठीक है। और 138 करोड़ का सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस दिया गया है ताकि इसमें डेवलपमेंट के वर्क किए जा सकें इस पार्क में। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसकी आपको पूरी PDF मिलेगी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं इक्वेशंस आईएएस, तो उसमें पूरी PDF मैं शेयर करूंगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, जिसमें हम PDF वगैरह शेयर करते हैं और अदर स्टडी मटेरियल भी ज्वाइन अपलोड करते रहते हैं। तो UPSC के लिए अलग है टेलीग्राम चैनल, SSC के लिए अलग है। उसके अलावा इक्वेशंस IAS ऐप है हमारी, जिसमें हमारे UPSC का कंप्लीट कोर्स है, SSC का भी कंप्लीट कोर्स है, बैंक PO का भी कोर्स है, क्वांट के भी कंप्लीट कोर्स हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं नेक्स्ट, ये एडिटोरियल है हमारे पास आया है, डू वी नीड अ फिस्कल काउंसिल। अब देखिए इस एडिटोरियल में फिस्कल काउंसिल के बारे में क्या कहा है, तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ये कहना चाह रहा है कि दुनिया में वैसे अभी तक 50 से ज़्यादा कंट्रीज, IMF के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 50 से ज़्यादा कंट्रीज में फिस्कल काउंसिल है। फिस्कल काउंसिल का काम क्या होता है, अब देखिए फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें, पहले अगर समझे फिस्कल डेफिसिट, उसके बाद फिस्कल काउंसिल में आएंगे। फिस्कल डेफिसिट,
फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होगी, उनकी कुछ अर्निंग होती होगी, कुछ एक्सपेंडिचर होता होगा, अर्निंग और एक्सपेंडिचर। अब मान लिया कि गवर्नमेंट की अर्निंग है 100 रुपीज और एक्सपेंडिचर है 110 रुपीज, तो हम बोलेंगे 10 रुपीज का डेफिसिट है। मतलब सरकार की कमाई तो 100 रुपए है और खर्चा 110 रुपए है, तो 10 रुपए की कमी हो जाएगी। तो इस कमी को सरकारें कैसे पूरा करेंगी, क्योंकि फिस्कल, इसे हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो ये 10 रुपए बेसिकली क्या बताता है हमें, सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट। ये 10 रुपए किसी से सरकार को उधार लेना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, बोरोइंग रिक्वायरमेंट। आपकी भी लाइफ में जो भी आपकी अर्निंग रही हो या पॉकेट मनी रही हो, खर्चा ज्यादा हो, तो वो डेफिसिट हो जाता है आपका, क्योंकि आपकी अर्निंग कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो फिर वो जो आपकी वही जो डिफरेंस आ रहा है, वो आपकी बोरिंग रिक्वायरमेंट है। फिर आप दोस्तों से उधार लोगे, रिश्तेदारों से उधार लोगे, तो वो बोरिंग रिक्वायरमेंट होता है। बेसिकली फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरिंग रिक्वायरमेंट। आमदनी कम रहती है, खर्चा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो अब ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट तो रहता ही है, सरकार की आमदनी कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। अब इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या कोई फिस्कल काउंसिल इंडिया में होना चाहिए कि नहीं, ऑथर ने यही कुछ बताया है। क्योंकि दुनिया में 50 से ज़्यादा कंट्रीज में फिस्कल काउंसिल बनी हुई है। फिस्कल काउंसिल का मतलब एक अलग ऑटोनोमस बॉडी जो कि सरकार को बताएगी कि आपको इस तरीके से खर्चा करना है, इस तरीके से एक्सपेंडिचर करना है, इनमें गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर एक फिस्कल काउंसिल बनी हुई है और सरकारें अपने आप से डिसाइड कर रही हैं चीज़ें कि खर्चा आमदनी के किस तरीके से होने वाला है, अब अगर फिस्कल काउंसिल इंटरफेयर करने लग जाए, क्योंकि वो ऑटोनोमस बॉडी है तो वो इंटरफेयर करेगी गवर्नेंस में, ठीक है, और सरकारें फिर ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम देखें आने पिछले कुछ टाइम से आरबीआई की भी पावर्स लगातार सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए कि आरबीआई की पावर भी रिड्यूस होती रही है और अपने हाथ में, अपने पास ज़्यादातर पावर्स अपने कंट्रोल में ले ली हैं सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वही ज़्यादातर चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस थोड़ा सा वीक भी होते जा रहे हैं, ऐसे एलिगेशंस भी लगते रहे। तो अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरी ओपिनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी कि फिस्कल काउंसिल बना दे। अभी इंडिया में फिस्कल काउंसिल नहीं है, ठीक है। तो ऑथर यही कह रहा है कि इंडिया में फिस्कल काउंसिल बनना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उससे क्या होगा, बहुत सारी फाइनेंशियल पावर फिस्कल काउंसिल के पास चली जाएंगी, वो इंटरफेयर करेगी और क्लैशेस होंगे और प्रॉब्लम्स होंगी गवर्नेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स यही दिया है कि फिस्कल काउंसिल अगर बनेगा तो वो किस तरीके से काम करेगा और वो ठीक से काम कर भी पाएगा कि नहीं, तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं आर्टिकल में। तो ऑथर ने ये सब इसमें डिस्कस करा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए, एक तो फिस्कल डेफिसिट क्या है। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है और अर्निंग होता है, उसका जो डिफरेंस होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है, उसे हम बोरोइंग रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं। हमारा इसके ऊपर एक वीडियो भी है, फिस्कल डेफिसिट वर्सेस रेवेन्यू डेफिसिट, इसका एक यूट्यूब हमारे चैनल में ही आप अगर सर्च करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट वर्सेस रेवेन्यू डेफिसिट पूरा डिटेल में हमने डिस्कस करा है, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, FRBM इसमें बात करिए, FRBM की बात करिए, ठीक है। FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का एक्ट है। तो FRBM एक्ट किस पर्पस से आया था, क्योंकि इससे पहले सरकारें क्या करती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं थी, खर्चा बहुत ज्यादा था, आमदनी बहुत कम थी, तो उससे क्या होता था, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाता था, तो आने वाली सरकारों के लिए बड़ी परेशानी होती थी। और क्योंकि सरकारें पॉपुलिस्ट टाइप के बजट लेकर आती थी, खर्चा ज्यादा है, आमदनी के बारे में नहीं सोच रही है, तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को बहुत नुकसान होता था। तो 2003 में यह सोचा गया कि अगर ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पास हो गया तो उससे क्या होगा, आने वाली जो भी राज्य सरकारें हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बजट बनाएंगी, क्योंकि ये क्या करेगा, एक लिमिटेशंस रखेगा, एक इसका एम या ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट जीरो होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट GDP के 3% से कम होना चाहिए, तो ये टारगेट्स बना के रखेगा, ठीक है। तो FRBM एक्ट के बाद से सरकारों के लिए लीगली थोड़े से उनके हाथ बन गए कि भाई खर्चा ऐसे ही नहीं कि अंधाधुंध खर्चा कर रहे हैं,
आमदनी का भी ध्यान रखना है, तो खर्चा और जो आमदनी है उसका जो डिफरेंस है वो मिनिमम 3% ऑफ जीडीपी जो है उसमें मेंटेन करना है, ऐसा इसका एम है, एफआरबीएम एक्ट ये कहता है। ठीक है, तो बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर एफआरबीएम काम करता है और बेटर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स, जो पब्लिक का पैसा सरकार के पास है, सरकार जो इतनी सारी स्कीम्स लेकर आ रही है, इतने सारे डिसीजंस ले रही है कि जैसे राशन की दुकानें हों, सब्सिडी वगैरह पे कर रही है, डिफेंस में खर्च कर रही है या स्टेट को दे रही है पैसा, तो उसको बहुत समझदारी के साथ सरकार खर्च करे, तो उस बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पर एफआरबीएम एक्ट में टारगेट्स वगैरह सेट किए गए हैं और सरकारों के थोड़े से हाथ बांध दिए हैं कि वो अंधाधुन पैसा खर्च ना करें। तो एक बहुत बार एग्जाम में एक तो एफआरबीएम एक्ट से रिलेटेड आया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आई है, कब ये एक्ट पास हुआ था ये भी आया। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे पास आर्टिकल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब देखिए, पहले फेडरलिज्म का मतलब समझ लेते हैं। फेडरलिज्म का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर। फेडरलिज्म डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है, जैसे अगर हम बोलें कि इंडिया, अगर फेडरलिज्म का अपोजिट हम देखें तो यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब है अगर सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास हों, चीफ मिनिस्टर के पास कोई पावर ना हो, राज्यों के लिए भी स्टेट्स के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता हो हर चीज, तो उसे हम बोलेंगे, जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो यूनिटरी है, मतलब एक ही बंदा है जो सब कुछ डिसाइड कर रहा है। लेकिन अगर उसका उल्टा देखें, फेडरलिज्म क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर भी कुछ डिसाइड कर रहा है लेकिन अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो भी उनके पास भी अपनी अपनी पावर्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो चीफ मिनिस्टर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चीफ मिनिस्टर्स को भी बहुत सारी पावर देता है कि वो अपने आप से अपने स्टेट के बारे में बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कहे या मना करे, इंटरफेयर नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट उनके डिसीजंस में, क्योंकि स्टेट लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से दी गई है, तो स्टेट के पास अलग से पावर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जिसे हम बोलेंगे फेडरलिज्म। हालांकि कुछ मामलों में जैसे इमरजेंसी लग जाए, तो कुछ मामलों में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी फीचर है, तो सारी पावर इमरजेंसी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाती है कुछ कंडीशंस में। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक टीम की तरह काम करें, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एक टीम की तरह काम करें, प्राइम मिनिस्टर कैप्टन हो और वो टीम के प्लेयर्स सारे के सारे चीफ मिनिस्टर पूरे सारे स्टेट्स के हों, सब मिलके काम करें, क्योंकि अगर टीम मिलके काम करेगी तभी डेवलपमेंट हो पाएगा, तो यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ठीक है, अब ये आर्टिकल डेरेक ओब्रायन ने लिखा है, आपको ऑथर भी देख लेना चाहिए कि ऑथर कौन है एडिटोरियल में। डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस के मेंबर हैं। ठीक है, ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, तो उन्होंने लिखा है, और तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की बहुत एंटी है और मोदी जी की बहुत एंटी है, तो ये आर्टिकल पूरा बहुत क्रिटिकल है बीजेपी को लेकर या मोदी जी को लेकर। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार बोल रही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाए हैं इस पूरे के पूरे आर्टिकल में। अब देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिसके साथ बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एग्री नहीं करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, आपको यह समझना है इसमें क्या क्या चीजें आई है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो इसमें आया है 14th फाइनेंस कमीशन कब आया था? अच्छा, फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? अंडर आर्टिकल 280 है हमारा फाइनेंस कमीशन, और फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो पैसे का बंटवारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस के थ्रू पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कलेक्ट हुआ है, वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स और अपने पास कितना कितना रखेगी, कैसे कैसे बांटेगी, वो फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देता है। 14th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी थी 2015 में जमा करी थी, और उसकी रिकमेंडेशंस लागू हुई हैं 2015 से 2020, और ये फाइनेंशियल ईयर है, मतलब ये 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस ये 2020 में कंप्लीट हो चुकी है, और वाईवी रेड्डी इसके चेयरमैन थे। इसकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से देखिए, इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में ये भी आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्सेस की फॉर्म में पैसा जाता है उसका 42% वापस स्टेट्स को मिलेगा।
ठीक है, उससे पहले 13 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 32% था, 14 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 42% हो गया, 10% बढ़ा दिया। ठीक है, अब आपको ये समझना है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड से कोई इनकम टैक्स पे करता है मान लिया 100 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो 100 रुपये में से 42 रुपीज़ उत्तराखंड की सरकार को वापस मिल जाएगा। और मान लिया यूपी बड़ा स्टेट है, उन्होंने 1000 रुपये पे करे इनकम टैक्स वहाँ के लोगों ने, तो यूपी के लोगों ने पे करा। डोमेसाइल देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सरकार के लिए, तो सेंटर के पास 1000 चले गए तो उसका 42% 420 420 रुपये यूपी की सरकार को मिल जाएगा। तो यूपी बड़ा स्टेट है, ज़्यादा लोग इनकम टैक्स फाइल करते होंगे, या जितने भी सेंट्रल टैक्सेस हैं अलग अलग स्टेट से, जिस स्टेट से सेंटर क्या करता है वो डिवाइड करता है पैसा, किस स्टेट से कितना कितना सेंट्रल टैक्सेस आए। अब जितना भी हर एक स्टेट से, एमपी से इतना आया, राजस्थान से इतना आया, भाई महाराष्ट्र से ज़्यादा आया होगा क्योंकि कमर्शियल कैपिटल है, यूपी बड़ा स्टेट है इसलिए भी ज़्यादा आया होगा, ठीक है, पंजाब से भी आया होगा, हर स्टेट से सेंटर के पास टैक्सेज आए होंगे। सेंटर उसका क्या करता है, 42% वापस उस राज्य वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देता है। ठीक है, ऐसा फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं और इसके हिसाब से काम करता है। और एडिटोरियल में एलिगेशंस ये लगाए हैं कि जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, सेंटर गवर्नमेंट वो जो प्रॉमिस है कि 42% देना है वो दे ही नहीं रहा है, या बहुत डिले कर रहा है, 6 महीने 8 महीने 10-10 महीने लगा रहा है, तो ये सब एलिगेशंस हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो बहुत क्रिटिकल है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो आर्टिकल। ठीक है, तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस तब से 2015 से 20 तक लागू हुई, वाई वी रेड्डी चेयरमैन थे और 42% स्टेट का शेयर होता है। ठीक है, उसके अलावा 15 फाइनेंस कमीशन उसकी रिकमेंडेशन जो है 2020 मतलब अब 1 अप्रैल से 2025 तक 5 साल के लिए लागू होंगी। अगला जो 16 फाइनेंस कमीशन आएगा 2025 से 2030 के लिए, एनके सिंह इसके चेयरमैन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में आए हैं। और इसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है, रिकमेंडेशन कराया कि वो जो 42% शेयर था वो हो जाएगा 41%। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, तो उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है 41%। और 1% क्यों रिकमेंड कर रहा है वो डिक्रीज करने को लेकर, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरीज बनी है हमारी, जम्मू में और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, दो यूनियन टेरिटरीज बनी है हमारी वहां पर, तो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी जो हमें पता है लेह लद्दाख अलग हो गया, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज बनी है, तो इस वजह से 42% का वो 41% हो गया। उसके अलावा एडिटोरियल में ये भी आरोप लगाया कि जीएसटी कंपनसेशन, क्योंकि जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से, तो ये आरोप लगाया है कि जीएसटी इंप्लीमेंट होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स को टैक्सेस में जो लॉस हुआ है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनसेट करना था, तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंपनसेट नहीं कर पा रही है प्रॉपर तरीके से, या डिले कर रही है, तो ये भी एलिगेशन लग रहे हैं, क्योंकि जीएसटी के इंप्लीमेंट होने से स्टेट गवर्नमेंट्स को काफी लॉसेस हुआ है, क्योंकि जीएसटी ने क्या करा, सेल्स टैक्स वैट इन सारे टैक्सेस को रिप्लेस करा। सेल्स टैक्स वैट डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक से वसूलती थी, सीधे स्टेट के खजाने में जाता था, स्टेट गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के, लेकिन जैसे ही जीएसटी आया, जीएसटी ने रिप्लेस करा, तो वैट और सेल्स टैक्स वगैरह खत्म हुआ, तो सीधे अब सेंटर के पास जाने लगा, और पहले जो कलेक्शन होता था उससे कम कलेक्शन होने लगा कुछ स्टेट्स का, तो वो कंपनसेट करना होता है। एग्रीमेंट था स्टेट और सेंटर के बीच में कि 3 साल तक जो भी लॉस होगा जीएसटी इंप्लीमेंट होने तक 100% लॉस सेंटर गवर्नमेंट बेयर करेगी, 4th साल 75% और 5वें साल 50%, उसके बाद जो भी लॉस होता है फिर नहीं सेंटर गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं, अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, ठीक है, और वीडियो को हमेशा पूरा देखें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अपना नाम लिखें, अपना स्टेट जरूर लिखें। क्राइम एज अ पनिशमेंट, ये भी एक एडिटोरियल आया, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये कहा है, ये जो अभी जो इनकाउंटर हुआ विकास दुबे का उसके ऊपर है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉब जस्टिस इज नो जस्टिस एट ऑल। अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग लिखते हैं तो ऐसी लाइंस लिखनी बहुत जरूरी है। लॉ इन्फोर्सर कौन है, जैसे पुलिस, अगर वो शॉर्टकट अपनाएंगे ड्यू प्रोसेस को तो फिर वो ज़्यादा डैमेज करेगा स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, तो ये डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके अलावा रिफॉर्म विद कॉशन,
रिफॉर्म्स मतलब क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म्स के लिए एक होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है, तो उसको लेकर है कि रिफॉर्म्स जल्दीबाजी में नहीं करने, पूरा सोच विचार करके, लोग चाहे टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो आपको एक तो पता होना चाहिए इंडियन पिनल कोड है जिसमें क्राइम और पनिशमेंट है, कि जैसे मर्डर जो है सेक्शन 302 है, क्राइम और उसकी पनिशमेंट, किस क्राइम का क्या पनिशमेंट है वो आईपीसी में लिखा रहता है। सीआरपीसी 1973 का है, इसमें प्रोसीजर लिखा रहता है। अब जैसे किसी ने मर्डर किया है, तो मर्डर जो है सेक्शन 302 है, 302। अब सेक्शन 302 में पनिशमेंट क्या है कि 7 साल है, 10 साल है, या उम्र कैद होगी या फांसी की सजा होगी, वो सब होगा। लेकिन अब कोर्ट का वर्डिक्ट आने में तो 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल लग सकते हैं, लेकिन उस बीच उस एक्यूज्ड के साथ करना क्या है, तो वो सीआरपीसी में लिखा हुआ है प्रोसीजर की, उसे बेल देनी है, जेल के अंदर रखना है, वो सब सीआरपीसी में लिखा हुआ है। उसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872, ठीक है। उसके अलावा कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं 2003 में जस्टिस वीएस मालिमत कमेटी ने दी थी, ठीक है, तो वो सब लिखा हुआ है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पहले तो हमें समझना है PIL होता क्या है। बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार PIL की फुल फॉर्म आई है, और ये होता क्या है, ऑप्शन में दिया रहता है, पूरी एक लाइन सेंटेंस होता है, हमें ऑप्शन को चूज करना होता है। PIL बहुत पॉपुलर है, 1980s में सबसे पहले जस्टिस PN भागवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ऐसे पहले जस्टिस थे, पहले जजेस थे जिन्होंने PIL को एक्सेप्ट करा। तो PIL का मतलब क्या है, मान लिया कोई एग्रीव्ड पार्टी जो कोर्ट नहीं जा रही है, या जिसे अपने लीगल राइट्स के बारे में नहीं पता, तो हम एग्रीव्ड पार्टी के बिहाफ में कोर्ट में PIL फाइल कर सकते हैं, और जो केस है उसे कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास मूवी आई थी जॉली LLB, दो मूवीज आई थी जॉली LLB की, एक तो अरशद वारसी की आई थी और एक अक्षय कुमार की आई थी। तो जिसमें आपने देखा होगा कि पहली वाली जो जॉली LLB थी उसमें क्या हुआ था, एक काफ़ी पैसे वाला इंसान, पावरफुल इंसान रहता है, मनी पावर, मसल पावर काफ़ी थी, और उसके बेटे की गाड़ी के नीचे फुटपाथ में 4 या 5 लोग आ जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो कोर्ट ने जो वर्डिक्ट था वो जो मसल पावरफुल मैन था उसके फेवर में दिया था, तो उन्हें जस्टिस नहीं मिला था उनकी फैमिलीज को, जो 4 या 5 लोग जो फुटपाथ में गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब केस तो क्योंकि वर्डिक्ट आ चुका है, केस खत्म। अब जो अरशद वारसी थे उन्होंने PIL फाइल करा कोर्ट में कि कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो रह गए हैं जिसको कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो कोर्ट ने, क्योंकि एग्रीव्ड पार्टी तो अरशद वारसी नहीं थे, एग्रीव्ड पार्टी कौन था, वो जो गरीब लोग थे, उनकी फैमिलीज जिनकी फुटपाथ में डेथ हुई थी, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, तो फिर अरशद वारसी ने उनके बिहाफ में PIL फाइल करा, और जज ने एक्सेप्ट करा, कुछ मेरिट देखी, क्योंकि PIL भी तभी एक्सेप्ट की जाती है जब जज उसमें कुछ मेरिट देखता है कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लास्ट टाइम रह गए थे, तो उनको एक्सेप्ट करा। फिर कोर्ट दोबारा से वो पूरा केस चलता है, फिर जो एग्रीव्ड पार्टी था उनके फेवर में वर्डिक्ट आता है, जो पावरफुल आदमी होता है वो जेल चला जाता है लास्ट में। तो PIL बेसिकली क्या है, इंट्रोड्यूस्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ नॉट बाय एग्रीव्ड पार्टी, जैसे हम देख रहे हैं जॉली LLB मूवी के केस में एग्रीव्ड पार्टी जो गरीब लोग थे वो कोर्ट नहीं गए, उनके बिहाफ में अरशद वारसी कोई और गया कोर्ट। तो ये आपको समझना है, हम अपने मोहल्ले में कहीं पर PIL कहीं भी फाइल कर सकते हैं, अगर हम देखते हैं कि इस एक्ट की वजह से या प्राइवेट कंपनी इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन हो रहा है और पूरे मोहल्ले के लोग या पूरा एरिया परेशान है, तो हम एग्रीव्ड पार्टी, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक हैं, तो पब्लिक के बिहाफ में कोर्ट में PIL फाइल कर सकते हैं। केवल हम एग्रीव्ड पार्टी नहीं है, या हम जो एग्रीव्ड पार्टी उनमें से एक हैं, या फिर हम हो सकता है एग्रीव्ड पार्टी ना हो, तो कोर्ट अगर मेरिट देखता है तो PIL को फाइल करता है। हालांकि इंडिया में बहुत सारी PIL फाइल होती हैं, तो कई बार जो जजेस हैं वो PIL फाइल करने वाले लोगों को डांट देते हैं कि फालतू की PIL फाइल कर रहे हैं, बिना बात के पॉपुलैरिटी के लिए PIL भी फाइल की जाती है, तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहती है PIL, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। उसके अलावा न्यूज़ में रहा NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, 2007 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका काम है चाइल्ड राइट्स का प्रोटेक्शन देखना राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स करे थे, चेंजेस करे थे, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ऑब्जेक्शन कराए,
और किसने ऑब्जेक्शन करा है, उनका कहना है आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट उसका वायलेशन है। जैसे अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था। एक तो राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट बना था अंडर आर्टिकल 21A, ये आप पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं। और इसका कहना यह था कि प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी होगा, फंडामेंटल राइट होगा, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21A। अब द एक्ट मैंडेट्स इंपॉर्टेंट क्या है राइट टू एजुकेशन एक्ट से रिलेटेड, कि जितने भी स्कूल हैं उनके लिए कंपलसरी होगा कि अपने स्कूल में जितनी भी सीट्स हैं एडमिशन की सीट्स, मान लो 1000 बच्चे एडमिशन लेते हैं साल में, तो उन 1000 में से 250 जो सीट्स होंगी एडमिशन की, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल सबके ऊपर लागू है, उनको 25% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो बीपीएल फैमिलीज हैं, सोशली बैकवर्ड एससी एसटी और डिफरेंटली एबल्ड 25% सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड रखनी है। तो अब वो लोग तो फीस पे नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स की फीस तो बहुत ज़्यादा है, तो उनकी फीस कौन देगा, उनकी फीस सरकार देगी उस प्राइवेट स्कूल को, तो उन्हें एटलीस्ट अपनी 25% सीट्स रिजर्व्ड रखनी है गरीबों के लिए, ठीक है। इसके ऊपर मूवी भी बनी थी, एक हिंदी मीडियम इरफान खान की मूवी थी हिंदी मीडियम, जिसमें इरफान खान अंडर आरटी ही अपनी अपनी बेटी का एडमिशन करवाना चाह रहा होता है स्कूल में आरटीई एक्ट में, तो इरफान खान क्योंकि पैसे वाला होता है और उसे एक बहुत बड़े फेमस स्कूल में एडमिशन करवाना होता है, और पैसे वालों का एडमिशन तो वहां पर नहीं हो पा रहा था क्योंकि सीट्स कम थी, लेकिन 25% सीट्स रिजर्व थी गरीबों के लिए, तो वो गरीब बनने का नाटक करता है, स्कूल को ये दिखाता है मैं गरीब हूं ताकि मेरी बेटी का भी एडमिशन स्कूल में हो जाए, उस पॉपुलर स्कूल में, बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ठीक है। तो ये एक मूवी थी, ठीक है, हिंदी मीडियम, तो वो आपको, आपने जिसने देखी होगी उसको आइडिया हो जाएगा कि आरटीई है क्या। बस ये आपको पता होना चाहिए कि आरटीई लागू किसके ऊपर नहीं होता, ये जो माइनॉरिटीज में इंस्टीट्यूशंस में रजिस्टर्ड स्कूल होते हैं उनमें लागू नहीं होता, जैसे सेंट जोसेफ हो गया, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर आरटीई एक्ट लागू नहीं होता, मदरसा स्कूल्स हो गए उनके ऊपर ये आरटीई एक्ट लागू नहीं होता, बाकी सभी इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो सरकारी प्राइवेट सबके ऊपर ये लागू होता है, बट माइनॉरिटी में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स में ये लागू नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक तो हागिया सोफिया ये न्यूज़ में रहा, ठीक है, हागिया सोफिया क्या है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है हागिया सोफिया, ये 1500 साल पुरानी 532 AD में बनी हुई बिल्डिंग है, ये उसकी एक फोटो है हागिया सोफिया की, और ये क्रिश्चियन बिल्डिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर क्रिश्चियंस जो हैं उनके लिए ये एक रिलीजियस प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, पायस जगह है क्रिश्चियंस के लिए। लेकिन अब हुआ क्या, क्योंकि 532 AD की ये बनी हुई बिल्डिंग है हागिया सोफिया, अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि बाद में क्योंकि इस्लाम कई कंट्रीज में फैला, टर्की में भी इस्लाम फैल गया, तो उसके बाद 1453 में एक ओटोमैन एम्पायर था इस्लामिक, तो उन्होंने क्या करा, इस हागिया सोफिया बिल्डिंग को जो क्रिश्चियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉपुलर थी उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया था 1543 में, टर्नड इनटू अ ओटोमैन इंपीरियल मॉस्क। अब इस समय भी काफ़ी विरोध किया था क्रिश्चियंस ने कि भाई ये तो क्रिश्चियंस के लिए जो है काफ़ी पायस बिल्डिंग है और इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया है ओटोमैन एम्पायर ने। फिर 1934 में मुस्तफ़ा केमल अटाटुर्क, उन्होंने जो फाउंडर थे रिपब्लिक ऑफ टर्की के, उन्होंने इस मस्जिद को वापस क्या करा, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया ताकि कंट्रोवर्सी ना रहे, क्लैशेस ना हो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में, कोई क्लैशेस ना हो, और ये दिखाने के लिए हम सेकुलर कंट्री हैं, सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, तो उन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये जो स्टेप था, जो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम लोग थे उन्हें ये पसंद नहीं आया, उन्हें लगा कि नहीं ये तो मस्जिद है, मस्जिद ही रहनी चाहिए, म्यूजियम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो बहुत सारा मूवमेंट चलता रहा टर्की में कि ये तो मस्जिद में कन्वर्ट होना चाहिए, वैसे ओरिजिनली वो क्रिश्चियन कैथेड्रल है, ठीक है। तो अब जो वहाँ के प्रेसिडेंट है टर्की के, प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इस जगह आपको पता होनी चाहिए, ये टर्क एग्जाम में आ सकता है कि हागिया सोफिया है क्या, ये इस्तांबुल में है, ठीक है, टर्की में इस्तांबुल में, और अब इसे दोबारा से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओरिजिनली ये क्रिश्चियन कैथेड्रल था, फिर इस्लाम कई जगह फैला,
फिर इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर 1934 में फिर दोबारा से मस्जिद से इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर अब कोर्ट की रूलिंग ने क्या करा, 1934 के वर्डिक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है, दोबारा से ये मस्जिद में कन्वर्ट हो गया है। तो अब इसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे। बहुत सारी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं जैसे यूएस है या अलग अलग कंट्रीज हैं, वो टर्की के इस स्टेप्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि आप ये गलत कर रहे हैं। और बहुत सारे जो चर्चेज हैं चाहे इटली में हो, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इटली के इस स्टेप, ये टर्की के इस स्टेप को, इसलिए लगातार न्यूज़ में है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक तो इसका क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, हागिया सोफिया क्या है, कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, इस्तांबुल में है टर्की में, उसके अलावा बना कब था 532 एडी में, उसके अलावा क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि 1453 में ये मस्जिद में कन्वर्ट हुआ, फिर 1934 में ये म्यूजियम में कन्वर्ट हुआ, और अब वहाँ के प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया है कि अब ये मस्जिद में कन्वर्ट होगा। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी में है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे कंट्रोवर्सी में है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूएस चाइना के बीच में बहस चल रही है, उघुर जो मुस्लिम्स हैं, देखिए ये चाइना है, ये इंडिया है, ये नेपाल है, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा चाइना है, और ये चाइना का जिनजियांग जो है प्रोविंस है, यहां पर इन जिनजियांग प्रोविंस में उघुर मुस्लिम्स हैं, उघुर मुस्लिम्स, और ये उघुर मुस्लिम्स जो है अपनी एक सेपरेट टेरिटरी की डिमांड कर रहे हैं कि अलग देश, ठीक है। अब क्योंकि ये पहले से एक अलग टेरिटरी रहा है, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से ये चाइना का पार्ट बना, जैसे यहाँ पर तिब्बत था, तो तिब्बत के ऊपर भी 1950s में चाइना ने अपने में एनेक्स करा, उसके अलावा अलग अलग प्रोविंसेस है चाइना ने अलग अलग एरिया में एनेक्सेशन करा, और अपनी कंट्री का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है काफ़ी फैला दी। तो अभी भी वो अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री चाइना काफ़ी फैला रहा है, तो कंट्रोवर्सी में लगातार रहता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, जो उघुर मुस्लिम हैं वो लगातार वहाँ पर सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं। एक तो चाइना क्या कर रहा है, उघुर मुस्लिम्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रख रहा है, मतलब उनको एक जगह पे रख रहा है, और वहाँ पर मस्जिदों को कई जगह तोड़ा भी जा रहा है ताकि फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम ना हो और सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज खत्म हो। उसके अलावा जो हान चाइनीज थे, हान चाइनीज यहाँ पर जा रहे हैं ताकि डेमोग्राफी चेंज हो सके। डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब है जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज अगर कम करना है तो हान चाइनीज यहाँ पर ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लिया 90% उघुर मुस्लिम्स हैं, मतलब अगर 100 पॉपुलेशन है तो 90 क्या है, उघुर मुस्लिम्स हैं जिनजियांग प्रोविंस में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब हुआ क्या कि हैन अगर यहाँ पर 100 हैन आ जाते हैं, 100 हैन चाइनीज, तो 200 हो जाएंगे, अब 200 में से उघुर मुस्लिम्स तो 90 हैं, अब उनका परसेंटेज यहाँ पर कम हो गया, तो माइनॉरिटी हो गया, तो माइनॉरिटी जब वो हो जाएंगे तो ज़्यादा किसकी चलेगी, फिर हैन चाइनीज की ज़्यादा चलेगी। तो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए हैन चाइनीज को यहाँ पर भेज रहा है चाइना, और जो उघुर मुस्लिम है फंडामेंटलिस्ट उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी रख रहा है, और इम्पॉर्टेंट बोल रहा है कि स्टेट लॉ के हिसाब से चलना है, जो कुरान है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उघुर मुस्लिम्स के ऊपर ऐसा भी कहा जा रहा है कि परेशान कर रहा है। तो यूएस चाइना के बीच में बहस चल रही है उघुर मुस्लिम्स के ऊपर, जो चाइना परेशान कर रहा है उघुर मुस्लिम्स को। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि उघुर मुस्लिम्स कहां हैं, जिनजियांग प्रोविंस में है चाइना में, ठीक है, तो ये लगातार न्यूज में रहता है। उसके अलावा यूएस ने बैन करा पाकिस्तान से इंटरनेशनल एयरलाइंस को, क्योंकि बहुत सारे लगभग 260 पायलट्स के पास, पाकिस्तान के पायलट्स के पास फेक लाइसेंस हैं, मतलब बेसिकली उन्होंने पायलट का कोर्स नहीं किया है, फेक लाइसेंस है, वो पास ही नहीं थे, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया हुआ और प्लेन उड़ा रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। 260 पायलट्स के पास फेक लाइसेंस है पाकिस्तान में, तो ये पता चला है। तो यूएस ने, बहुत सारी कंट्रीज ने बैन लगाना स्टार्ट करा है कि भाई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स है हम अपने यहाँ अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पायलट्स के पास फेक लाइसेंसेज है। अब आप सोचिए किसी प्लेन में जा रहे हैं और ऐसा पायलट है जिसके पास फेक लाइसेंस है, आपको पता चले, वो पता चला वो क्रैश हो गया क्योंकि लाइसेंस ही फेक है, तो पाकिस्तान में पूरा वहाँ पर गैंग चल रहा है जो फेक लाइसेंसेज दे रहा है पायलट्स को। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। तो एग्जाम में ये आ सकता है कि किस कंट्री में फेक लाइसेंसेस की वजह से किस कंट्री की एयरलाइंस को बैन किया गया, तो पाकिस्तान की एयरलाइंस को बैन किया गया। उसके अलावा
फ्रांस ने इजराइल को कहा है कि वो जो वेस्ट बैंक का एनेक्सेशन प्लान है वो ड्रॉप करे। अब ये देखिए मैप है, ये सऊदी अरबिया है, ये ईरान है, ये इराक है, ये सीरिया है, ये जॉर्डन है, इजिप्ट है, और ये है इजराइल। और इजराइल में ये वाली टेरिटरी आप देख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक, ये है हमारा वेस्ट बैंक। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट चल रहा है क्योंकि वेस्ट बैंक के ऊपर पैलेस्टीन क्लेम करते हैं ये हमारा है, और ये गाजा स्ट्रिप है यहाँ पर, तो उसके ऊपर पैलेस्टीन क्लेम करते हैं, हमारी टेरिटरी है। तो इसराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट चल रहा है, उनके बीच में लगातार क्लासेस चलते रहते हैं, एक दूसरे की तरफ रॉकेट्स भी छोड़ते रहते हैं। कई बार इसराइल की जो आर्मी है वो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज घुस जाती हैं पैलेस्टीन में, कई बार पैलेस्टीन से भी रॉकेट्स छोड़े जाते हैं सिविलियन इलाकों में, तो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। अब इसराइल का प्लान है वेस्ट बैंक को पूरी तरीके से एनेक्स करने का, मतलब ये सारी टेरिटरी इसराइल का पार्ट बन जाएगी। तो उससे क्या होगा, अब ये सारी जो आसपास की कंट्रीज है मुस्लिम कंट्रीज है, इसराइल अपने आप में ज्यूज है, ये नॉन मुस्लिम कंट्री है, ज्यूज यहूदी जिन्हें बोलते हैं। तो इसराइल जो है मुस्लिम कंट्री से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो उससे क्या होगा, इसराइल का डिस्प्यूट आसपास की सारी नेबरिंग कंट्री के साथ और ज्यादा बढ़ेगा। अभी प्रॉब्लम वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो फ्रांस ने इसराइल को कहा है कि अपना जो आपका आइडिया है कि एनेक्स करने का वेस्ट बैंक का, उसे ड्रॉप करें, क्योंकि फ्रांस का जो ये इसराइल का जो प्लान था अभी 1 तारीख से, ठीक है, तो 1 जुलाई के बाद से इसको एनेक्स करने का प्लान था, ठीक है। तो ये द हिंदू से रिलेटेड जो भी हमने डिस्कस करा, पूरा न्यूज़ थी, पूरे आर्टिकल्स थे, और इसका पूरा पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप पूरा पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।